हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका मुखर्जी। आर्यन खान बेल लाइव अपडेट्स। आर्यन को जेल या बेल? याचिका खारिज हुई तो आर्थर रोड जेल ले जाएगी एनसीबी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला आज मुंबई के मैजिस्ट्रेट करने वाले हैं। आर्यन खान पिछले 7 दिनों से एनसीबी की गिरफ्त में है। उन्हें मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में चलने वाली ड्रग पार्टी का हिस्सा होने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिया गया था। 2 अक्टूबर शनिवार को उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बताया गया है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। आज आर्यन खान की जमानत की सुनवाई मुंबई के कोर्ट में होनी है। ऐसे में उन्हें बेल मिलेगी या जेल होगी, ये समय आने पर पता चलेगा। हम आपको दे रहे हैं इस केस से जुड़ी लाइव अपडेट्स। 12:30 बजे होगी कोर्ट में सुनवाई। आर्यन खान और अन्य 8 आरोपियों की जमानत की सुनवाई आज दोपहर 12:30 बजे होगी। ये सुनवाई एस्प्लैनेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। बेल न मिलने पर जेल जाएंगे आर्यन। खबर है कि एनसीबी के अधिकारी कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। अगर आर्यन खान और अन्य 8 आरोपियों की जमानत की याचिका खारिज हुई तो उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। वही महिलाओं को बायकोला जेल लेकर जाएंगे। सभी आरोपियों का कोरोना टेस्ट हो गया है और नेगेटिव आया है। एनसीबी से विदेशी शख्स को बाहर ले जाया गया है। हर बूंदों में एहसास नया है, ताजगी भरी खुशियां। द बंगाल वाटर, वाटर फॉर लाइफ, अब आपके शहर में। फराह खान ने आर्यन के लिए की दुआ। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने आर्यन खान की रिहाई के लिए दुआ की है। आज आर्यन की मां गौरी खान का जन्मदिन है। ऐसे में फराह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए दुआ की कि आर्यन जल्द रिहा होकर घर आए और गौरी को उनका बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिले। आर्यन को लेकर सोमी अली का ट्वीट। आर्यन खान को लेकर फिल्मी दुनिया के सेलेब्स लगातार बात कर रहे हैं। अब एक्ट्रेस सोमी अली ने आर्यन खान को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर आर्यन का फोटो शेयर करते हुए लिखा, कौन सा बच्चा है जिसने ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया? इस बच्चे को घर जाने दो। ड्रग्स और वेश्यावृत्ति कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए उन्हें अपराध के रूप में मानना बंद करे। ये एक बच्चे के बच्चे होने का सीन है। कोई भी यहाँ संत नहीं है। रवीना टंडन ने किया ट्वीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने आर्यन खान को लेकर ट्वीट किया है। रवीना टंडन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आर्यन खान के साथ शर्मिंदा करने वाली राजनीति खेली जा रही है। उन्होंने लिखा, शर्मिंदगी से भरी राजनीति खेली जा रही है। ये एक युवा लड़के की जिंदगी और भविष्य है जिससे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल टूटने वाली बात है। 11 बजे होगी आर्यन के केस की सुनवाई। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के बाद आर्यन खान के वकील सतीश मान सिंधे ने आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर काम शुरू कर दिया था। आज इस जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। आर्यन खान ने एनसीबी के दफ्तर में रात गुजारी है क्योंकि कल जेल जाने के लिए उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ था और समय भी निकल चुका था। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।